बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आपका अपना दोस्त अब्दुल रहमान साहब आपके सामने पेपर नंबर 6 के साथ हाजिर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल बाखरियत ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने पेपर नंबर 6 स्टार्ट करना है जो कि आपके सामने है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो सिर्फ टीजिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करें, बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको स्किप करते जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, जो सिस्टमैटिक एंड सक्सेसफुल एकेडमिक वर्किंग है, तो ये डिपेंड करती है टाइम टेबल पे। दूसरा, मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट इन एजुकेशन फील्ड, तो ये ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स है इग्नोर्ड एस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट When, what, why and how to teach? तो ये educational psychology होती है। According to whom curriculum is plan for learning? तो ये टाबा है, ठीक है। तो plan for learning जो है वो ये टाबा है, और जो है instruction plans ये है Smith, और written plan जो है वो Kirk है। For better teaching learning process, the best method तो ये project method है। Responsibility of implementing the curricula in the classroom, तो ये classroom teacher पे responsibility है। Cognitive development deals with mind, तो intellect intelligence या intellectual के मतलब ये सवाल है। It learns does not provide adequate basis, तो ये hidden जो curriculum है ना, ये अकेला जो है ये सारा कुछ नहीं कर सकता। Educational training enhances तो skills, जब भी ट्रेनिंग्स की बात आए तो ये स्किल्स होगा, तो माइक्रो टीचिंग के हवाले से ये है। बेटर फिजिकल सेटिंग ऑफ क्लासरूम, तो ये बेटर फिजिकल सेटिंग यही होगी, ओवरऑल कंफर्टेबल एंड हेल्थी फुल एनवायरनमेंट। आगे है 11 स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन, तो ये प्रोजेक्ट मेथड है, और 3 आवर्स किए हैं रीड राइट एंड अरिथमेटिक। द कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स, तो ये अपवर्ड होगा, नीचे से ऊपर है। वैल्यूज आर क्लोजली रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ द ट्रूथ, ये रियलिस्ट है। वैल्यूज को आप ना देखें कि वैल्यूज को देख के आप आइडियलिस्ट की तरफ आ जाएं, आप कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ को देखें तो वो रियलिस्ट बन रहा है इसी हिसाब से। प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज टू टीच द प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम, द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल सिस्टम्स, तो ये होता है फॉर्मल नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल। इंशाल्लाह हम जो उधर सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो उधर एक पूरा लेसन में इंशाल्लाह डिलीवर करूंगा इस पे, टाइप्स ऑफ एजुकेशन पे। सोलो टैक्सोनॉमी प्रोवाइड सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। एंड्रागोजी टेक्निक्स आर यूज टू टीच एडल्ट्स, मैनेजिंग स्कूल रिकॉर्ड इज मेन ड्यूटी ऑफ स्कूल हेड, टीचिंग एज पर लेसन प्लान इज in a school usually supervised by headmaster, the pursuit of wisdom and knowledge is philosophy in the subject center curriculum, the important element is vision of learning, study of great books is the core of perennialism, which of the following activity does not fall in psychomotor domain, creating ideas psychomotor nahi hai, DDO kya hota hai, drawing and disbursing authority officer, DDA hota to authority hona tha, which is not the characteristic of authoritative एडमिनिस्ट्रेशन, ये होता है म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होता। इन प्री स्कूल एजुकेशन द फोकस गाइडेंस इज उपान, तो ये एडजस्टमेंट पे होता है। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, तो ये कैश रजिस्टर के अंदर लिखे जाते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान, तो ये 1864 है, बाज औकात ये 1863 होता है, तो दोनों में से कोई एक आएगा, जो भी आएगा वो ठीक होगा। एट प्रेजेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटिंग एलिमेंट्री स्कूल टीचर इन पंजाब, तो मौजूदा जो है वो एमए बीएड है। विच इज द बेसिक मोशन, तो बेसिक मोशन जो है फेयर लव एंड जनरल एक्साइटमेंट, इनमें से कोई भी आ जाए तो वो होगा, तो इनमें से कोई एक होगा, सारे इकट्ठे नहीं होंगे। हायरार्की ऑफ नीड, तो ये मसलो है। लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी बेस्ट चॉइस, तो ये लर्निंग आउटकम्स होती हैं, इनके सरिये लेवल जो है वो बेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल वो जज हो सकता है। द मोस्ट एसेंशियल लीडरशिप क्वालिटी इन इस्लाम, तो ये नॉलेज है। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1969 वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो ये है जनाब एसएम शरीफ, फजल रहमान 47 का था, और अब्दुल हफीज पीरजादा जो था वो 1970 का था। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स का है वो 11-12 है।
ठीक है 11-12 होता है. रिफॉर्म्स आर नेसेसरी तो ये रिकंस्ट्रक्शंस है. विच एजुकेशन सिस्टम फोकस हैवीली ऑन ट्रेनिंग अ पर्सन फुली तो ये ग्रीक है. इस्लामिक एजुकेशन फॉर्मुलेट्स ह्यूमन बेसिक आइडियाज इन द लाइट ऑफ तो ये रेवलेशन है. विच आर द फॉलोइंग इज अ कंडक्ट बाय विच अ टीचर असेसेस तो असेसेस ये असेसमेंट है. एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द माइंड एंड सोल तो ये प्लाटो कहते हैं जी आइडियलिज्म वाला. इन लेक्चर मेथड एंड वन एस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड. स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं होती इंक्रीज. The ideal teacher is one who rates as friend, philosopher, and writer. So, ये pragmatism वाला concept है. ये progressivism आप कह लें. जी 44. To attain more interest, तो ये use pictures है. Which of the following plays a vital role in attaining the aims and objectives of education? तो ये curriculum सबसे broad है. At which level diversification of curriculum was undertaken? Secondary level पे ये diversifications होती हैं जी. In the class, students can become confident. So, your project methodology. Teacher is bound to pay attention to the selection of appropriate learning materials and teaching techniques to meet learners' needs. ठीक है, सबसे broad है. Many aspects of learning can be studied best through the application of experimental method to the classroom experiences. The central concept purpose of every anecdotal student होता है जी. के बारे में होता है इनर फैकल्टीज एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग आर कंसर्न्ड विद कॉग्निशन होता है. चेंज इन एजुकेशन लीड्स टू द चेंज इन सोसाइटी. चार्टर एक्ट वाज पास्ड तो ये 1813 में है. सेलर कमीशन जो था ये बना था 1917 में. इसको कलकत्ता कमीशन भी कहते हैं. द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन अपॉइंटेड बाय द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो ये है December 30, 1958. How many basic components of curriculum? तो ये 4 है. Curriculum methodology, evaluation and objectives. Which philosopher compiled kindergarten? Froebel ने बनाया था जी. University grants commission जो था ये जो degree और college degree college और university के जो teacher थे उनके लिए इनकी training के लिए बना था. Panel dialogue ये क्या discussion है जी. Computer assisted instructions है जी. आगे पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कीप्स स्टूडेंट मोटिवेटेड फॉर लर्निंग ठीक है जी. 62 हु इज द फाउंडर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग. मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले अक्सर सवाल डिस्कस हो चुके हैं. पेपर नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 5 तक अक्सर हो चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं. फाउंडर ऑफ डिस्कवरी तो ये ब्रूनर है. सर विलियम हंटर्स तो ये 1882 इंडियन एजुकेशन कमीशन. Aims are national level, permanency is more real than change, तो ये perennialism है. IQ stands for intellectual intelligence quotient है ये. तो इसके बाद आगे आ जाएं. Behaviorism is studied with J.B. associated with J.B. Watson. Willingness to begin new activity or explore new directions. Initiative. Muslims art mostly developed was in तो ये कैलीग्राफी था जी. इसके बाद द टेस्ट मैयर व्हाट वी इंटेंड टू मैयर तो ये होती है वैलिडिटी. अगर हो द टेस्ट मैयर कंसिस्टेंटली व्हाट वी इंटेंड टू मैयर कंसिस्टेंटली जब आ जाए तो वो रिलायबिलिटी हो. वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में यही फर्क है कि रिलायबिलिटी के अंदर कंसिस्टेंसी होती है और वैलिडिटी के अंदर सिर्फ वो एक बार ही चेक कर रहा होता है और लाइबिलिटी के अंदर वो बार बार वो चेक कर रहा होता है कि ये ऐसा है या नहीं है. फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट तो ये स्कोर होता है जी. डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन तो ये ए लगा हुआ है जो कि गलत है और ये आप कर ले म्यूचुअल शेयरिंग. टीच रीटीच तो फीड रीफीडबैक प्लान रीप्लान ये माइक्रो टीचिंग है. द प्रोसेस इन विच स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ करिकुलम आर आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड तो ये वैल्यूएशन है. ऑन्टोलॉजी डील्स विद रियलिटी मोस्ट ऑन्टोलॉजी रियलिटी होता है रियलिटी मेटाफिजिक्स होता है ठीक है. तो इस तरह ये चीजें हैं. मोस्ट पॉपुलर मेथड एट ऑल लेवल तो ये लेक्चर मेथड है जी जो कि हर लेवल पे पसंद किया जाता है. टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है. माइक्रो टीचिंग फोकस कॉम्पिटेंसी ओवर स्किल्स. पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क
emphasis in the classroom should be need of individual child. Computer literacy is also considered important. So कौन deny करती है ये perennialism है. तो computer literacy literacy जो है ये essentialism में आती है. Deny कौन करती है perennialism. Research concerned with the current phenomena. तो ये descriptive है, इसको survey भी कहते हैं, question answer भी कहते हैं, जिसमें इंटरव्यू वगैरह होते हैं या क्वेश्चन देर वगैरह होते हैं. मेन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट लाइज टू टीचर, मैनेजर भी होता है जी क्लास के अंदर. नो द स्टूडेंट नीड इनसाइड आउटसाइड द क्लासरूम हैव द पदर. तो ये है जी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, स्टूडेंट्स की जो नीड, यानी कि स्टूडेंट्स को वो फोकस करते हैं, ह्यूमनिटेरियन इसे आप कह रहे हैं. द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट, प्रोसेस जो होता है सिलेक्टिंग सबसेट, ये सिंपल होता है. और जो होता है रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, तो वो होता है सैंपल. और जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को सिलेक्ट करने का प्रोसेस होता है वो होता है सैंपलिंग. व्हाट डू वी वांट टू अचीव एजुकेशनली, तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है जी. टू रिएक्ट एंड वाई, तो ये एमसी ग्रीगर है. प्रैक्टिस टू ऑर्गेनाइज टू स्टडी अ स्पेसिफिक टॉपिक फॉर बेटर रिटेंशन, तो ये ड्रिल मेथड है जी. रिटेंशन जो है प्रैक्टिस या ऑर्गेनाइज या रिटेंशन, ड्रिल मेथड. सेल्फ एवलुएशन ऑफ द क्लास, तो टीचर जो नहीं कर सकता वो टेक्सचुअल मटेरियल प्रिपेयर नहीं कर सकता. रिसर्च रिपोर्ट शुड बी इन, तो ये पास्ट में. और जो आपका प्रपोजल होता है वो फ्यूचर में होता है. पर्सन मोटिवेट्स अदर पोजेस द क्वालिटीज ऑफ लीडर होते हैं जी, जो मोटिवेट करते हैं. साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, तो ये टैक्सोनॉमी है. रास्कोस, तो ये डेटा है. ग्रेड मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरल प्ले वे है. द पावर डेलीगेटर विद एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि वो इख्तियारात की नीचे तक मुंतकिल ही कर देता है. अगर वो इख्तियारात को मुंतकिल नहीं करता तो वो सेंट्रलाइज उसने किया हुआ है सिस्टम को. द मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन, तो ये ह्यूमन माइंड है. ह्यूमन माइंड है तो बाकी सारी चीजें, ह्यूमन माइंड नहीं है तो कुछ भी नहीं है. एजुकेशनल इवेल्युएशन इज द प्रोसेस बाय विच अ टीचर एंड स्टूडेंट कैन असेस, तो जब ये आ जाए टीचर एंड स्टूडेंट्स का, दोनों का इकट्ठे वाला, तो ये होगा. अगर ये ना हो तो फिर स्टूडेंट वाला होगा. अगर स्टूडेंट वाला ना हो तो फिर टीचर वाला होगा. हायरार्की ये इस तरह से है, टीचर एंड स्टूडेंट इकट्ठा, फिर स्टूडेंट, फिर टीचर. डेटा कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन, तो ये डिस्क्रिप्टिव है जी जनाब. यूनेस्को कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन कंट्रीज इन कराची रिकमेंडेड टू स्पेंड 4% ऑफ GNP, तो ये है जी 1960 वाली पॉलिसी जो कॉन्फ्रेंस जो थी 1960 वाली. टीचिंग इज मेजरेबल कैन बी फाउंड थ्रू द यूज ऑफ, तो ये माइक्रो टीचिंग में जो टीचिंग है वो मेजर होती है, क्योंकि वहां पे वो बकायदा वीडियो वगैरह बन रही होती है और उस वीडियो के थ्रू फीडबैक दी जाती है. तो दोस्तों ये था हमारा पेपर नंबर 6, ठीक है. पेपर हमने कर लिया 6. तो दोस्तों अगर आपको ये वाला तरीका पसंद है तो मुझे बता देना. ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है, अब मैं तो चलता फिरता इसे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ. तो जो मुझे वो पहले वाली वीडियो कैमरे के अंदर लाइव आना पड़ता था तो वो जरा मेरे लिए भी मुश्किल था, और उसके लिए मुझे वक्त निकालना पड़ता था, बकायदा स्टेज लगाना पड़ता था, बैठना पड़ता था. तो ये जो तरीका है इसमें तो मैं चलता फिरता किसी भी जगह पे बैठ के माइक लगा के मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ. तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम मूव करेंगे पेपर नंबर 7 की तरफ, और साथ इंशाल्लाह ताला हम हमारी फिलॉसफी जो है वो मेरे दो लेक्चर रिकॉर्ड हुए पड़े हैं, इंशाल्लाह आज मैं अपलोड कर दूंगा. थैंक यू सो मच. इसके बाद हम इंशाल्लाह सब्जेक्ट वाइज जो हमने शुरू किया हुआ उधर हम साइकोलॉजी शुरू करेंगे, और ये जब हमारे पास पेपर्स खत्म होंगे तो इसके बाद हम शुरू करेंगे ट्रस्टेड क्वेश्चन बैंक. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेस्ट है अच्छे नंबरों के साथ पास हो, आपके पास नॉलेज आ जाए, तो काइंडली आपको फिर एक काम करना होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें ताकि ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू.